दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री योगानंद शास्त्री के बिगड़े बोल, नोटबंदी पर गधे और ऊंटों से की मोदी सरकार की तुलना। दरअसल नोटबंदी को लेकर फरीदाबाद में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकालकर डीसी कार्यालय पर जाकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री योगानंद शास्त्री, पूर्व मेयर जितेंद्र कोचर व फरीदाबाद के पूर्व विधायक आनंद कौशिक समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान सरकार को घेरने के चक्कर में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री योगानंद शास्त्री की जुबान फिसल गई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल की तुलना ऊंट और गधे से कर डाली। वहीं एसवाईएल मुद्दे पर कांग्रेस के रुख को भी गलत बता दिया। उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक को बताते हुए कहा कि सरकार में ऐसा हो रहा है जैसे ऊंटों की शादी में गधे गीत गा रहे हों और वे कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा स्वर है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ही हो रहा है, सब एक दूसरे की तारीफ में जुटे हैं। भारद्वाज साहब, आप जानते हैं नोटबंदी के खिलाफ अभियान चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में और आम आदमी जितना त्रस्त है वो भी आपने अपनी आंखों से देखा है। मीडिया जितना कवर कर रहा है वो भी एक अच्छी बात है। राजा का फर्ज होता है जनता के हित में अपना हित समझना और जनता के दुख में अपना दुख समझना। शास्त्रों में भी यही कहा गया है, नीति का भी यही है, प्रजानाम हिते हितम राज्य है, प्रजानाम दुखे दुखम राज्य है। लेकिन मोदी जी इस भाषा को नहीं समझ रहे हैं, केवल वो चापलूसी में घिरे हुए हैं और जो काम करना चाहिए देश के लिए वो नहीं हो रहा है। एक बात आपको यदि कहूँ तो आप समझ जाएंगे, संस्कृत का एक श्लोक है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम बहुध्वनि। ऊँटों के व्याम है, गधे गीत गा रहे हैं। ऊँट कह रहे हैं कि देखो कितना अच्छा स्वर है गधों का और गधे कह रहे हैं देखो कितना अच्छा ऊँट का। ऊँट कौन है और गधे कौन है ये भी बता दीजिए। वो सारे हैं, एक एक का नाम मत पूछिए, वहाँ पर जितने भी हैं वो यही काम कर रहे हैं जनता, भारतीय जनता पार्टी में। पहले ये था कि ज़्यादा दम था मोदी जी का, इतना वो बोलते नहीं थे। इसे क्लियर कर लेते हैं, ऊंट और गधे कौन-कौन है ये प्लेयर? वो सारे के सारे हैं, मोदी जी और उनके जो चापलूस हैं। तो ये ऊंट कौन है इनमें और गधा कौन है? आप अंदाजा लगा, ये आप लगा लीजिए क्योंकि देखो ऐसा है जब हालात इस तरह के हो जाते हैं तो मिक्स हो जाते हैं सब, पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी जी पहले तो किसी की बात सुनते नहीं थे, अपने मंत्रियों की भी, लेकिन जब से नोटबंदी और दूसरे प्रहार उन पर होने लगे हैं तब से ये अवस्था बन गई है ऊँट और गधे वाली। तो अब मैं समझता हूँ कि वो इस समस्या से उबर नहीं पा रहे हैं और उसी का रिजल्ट है। कहाँ था कभी किसी समय में जब सुषमा जी का वो प्रशंसा करते थे, अब करने लग गए हैं, अपने राजनाथ सिंह जी की भी करने लग गए हैं क्योंकि अब दम्भ कम होता जा रहा है। राजनीति का स्तर इतना खराब हो गया है कि हम अब अपने पॉलिटिकल पार्टी जो साथी हैं उन्हें गधे और ऊंट और जानवरों से नवाजने लगे। कोई बुरी बात नहीं है ये, गधे और जानवरों से नवाजने की बात बुरी नहीं है, शास्त्र सम्मत है ये और भारतीय संस्कृति का नाम सबसे ज़्यादा वही लेते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। शास्त्री जी, ऐसी उक्तियाँ जब आदमी विपक्ष में होता है तभी क्यों निकल कर आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, विपक्ष में हो तभी निकल कर आती हैं। मैंने तो खुद अपने सदन में बोला इन बातों को, अपने लोगों के लिए बोला है, ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए बोलते हूँ। तो अब आज जो प्रोटेस्ट किया है, क्या कार्यक्रम था आज का, इसके बारे में? देखिए ऐसा है, पिछले कई दिनों से सब स्टेट्स में ये कार्यक्रम चल रहा है नोटबंदी के खिलाफ। अब उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि नोटबंदी से किस तरह लोग बेहाल हो रहे हैं। ऐसे ऐसे समस्या है, बेटियों की शादी अटक गई हैं, उधार लेकर के शादियां की जाती हैं, 24,000 की घोषणा होती है मिलता नहीं है 5,000 भी, और आज तक भी करंसी पूरी नहीं है और आज भी लाइन होती है, कितने लोग मर गए। आने वाले समय में भी
ये कम से कम 6-8 महीने तक ये स्थिति रहने वाली है। जिस जनता के नाम पर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जनता तो लगातार नकार रही है आपको, चंडीगढ़ का नतीजे बताने के लिए काफी है, वो नतीजे के नतीजे बताने नहीं, के लिए काफी है। नहीं नहीं ये नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये एक मिनट ठहरो, ये जो स्थानीय चुनाव हैं ये उसको परिलक्षित नहीं करते हैं, इसमें व्यक्तित्व का महत्व होता है, पार्टी का नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा है। अच्छा, अब क्या प्लान है आपका, क्या करेंगे इसके बाद? अब हम 11 तारीख को ऐलान करेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। 11 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में हमने सभा बुलाई है बड़ी, और जो भी लोग इसको देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में वो सब वहाँ पर इकट्ठा। हरियाणा का कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ है? हरियाणा का, हाँ जी, कोई चार्ज दिया हुआ? क्या क्या चार्ज? हरियाणा का चार्ज कोऑर्डिनेटर, हरियाणा कोऑर्डिनेटर बनाया है AICC की तरफ से। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है SYL का मुद्दा, मेरी दिल्ली में मेरे कल पंजाब चुनावों को लेकर एक विजन जारी किया गया, हाँ। उसमें ये कहा गया कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। देखिए तो, ये तो इसका मतलब क्या है, मतलब कांग्रेस में इस तरह की स्थिति है कि पंजाब में जाके पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा में हरियाणा की बात करेंगे, और तोड़ने की राजनीति चलती रहेगी? देखिए, आप मेरी सुन में जिस समय हरियाणा बना और उसके बाद चंडीगढ़ का इशू आया, उस स्थिति से आप अवगत नहीं है। मैं उससे भी तो एक सीधा सा सवाल, मैं से वही बता, वही हरियाणा को SYL का पानी मिलना चाहिए कि नहीं, सीधा सा वही मैं बतला रहा हूँ आपको। देखिए, व्यक्ति जहाँ भी होता है, डॉक्टर मंगल सेन हुआ करते भाजपा, सीधा सा सवाल है को यार जानना भी जरूरी है ना, चाहिए कि नहीं मिलना, क्यों नहीं मिलना चाहिए, मिलना तो, चाहिए, मिलना चाहिए, हाँ। तो फिर आपके विजन में जो आपने पंजाब चुनावों के लिए जो विजन जारी किया है उसमें ये क्यों कहा है कि हरियाणा को पानी नहीं दिया जाएगा, पंजाब का पानी पंजाब में रहेगा? वो पूछिए वहाँ से जाके, आप हरियाणा के प्रभारी हैं, आपको हम तो कहते हैं मिलना चाहिए बिल्कुल, और पहले से स्टैंड ये रहा हमारा। तो पार्टी में आपकी नहीं सुनी जा रही है इसका मतलब, आप हरियाणा के प्रभारी होने के नाते कहते हैं कि पानी मिलना चाहिए और पार्टी विजन जारी करती है? देखिए, पंजाब के लीडर है, पंजाब पंजाब के लीडर साहब वहाँ बैठ के बाकायदा जारी करते हैं, पंजाब के लीडर पंजाब के हित की बात करेंगे, हरियाणा के लीडर हरियाणा के हित की बात करेंगे। नहीं, आप नाम छोड़ दीजिए, मैं तो पहले की बात आपको बतलाना चाहता हूँ जिसको आप नहीं सुनना चाहते। हरियाणा के लोग हरियाणा की इतनी बात करते हैं, किसी भी पार्टी के हों, डॉक्टर मंगल सेन रोहतक से लगातार जीतते रहे, लेकिन जब हरियाणा अलग बनने की बात आई तो हरियाणा का पक्ष उन्होंने लिया, और पंजाब में जो लोग थे वो पंजाब का पक्ष लेते थे। जवाब अभी भी नहीं मिला। आपका विजन डॉक्यूमेंट कहता है कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, एक मिनट रुको, पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, हरियाणा को नहीं दिया जाएगा, आप हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, SYL पर रुक क्या है आपका, ये बताओ। ये भविष्य के गर्भ में है, मतलब और कोई बनाना, आपने रुख स्पष्ट कर दिया है वहाँ? नहीं, कोई पंजाब में रुख स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, फरीदाबाद नहीं आएगा, हरियाणा में नहीं आएगा, फरीदाबाद नहीं, वो सब होगा। ये देखिए, आप ये देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और नहीं, आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको कोई नकार नहीं सकता है, यदि कोई ये कहता है कि हम उसको नकार रहे हैं तो वो नहीं चलेगी बात। तो ये विजन डॉक्यूमेंट में लोगों को आप विजन डॉक्यूमेंट छोड़िए ना, आप जो असलियत है उस पर आइए, आप जमीन पर उतरिए, जमीन पर उतरिए, और आप इतने सीनियर लीडर हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका विजन डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, विजन डॉक्यूमेंट को आप जेब में रखिए, वो पंजाब के लिए है ना, हरियाणा को पानी ना देने की बात की गई है उसमें, आप उसको लपेट लीजिए पूरे अपने शरीर पर, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो वास्तविकता रहेगी, बिना डिसाइड के, बिना हरियाणा के लोगों से बात किए हुए जारी कर दिया गया, ये लगता है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, हरियाणा के हित बिगड़ेंगे इससे? नहीं नहीं, अपने अपने हित होते हैं, कल हर प्रदेश के अपने अपने हित हैं, साथ रहते हुए कल मैं अपनी बात कर सकता हूँ, आप अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 11 तारीख को तालकटोरा, इसके बारे में बता दीजिए, मैं दोबारा कह दीजिए, 11 तारीख को तालकटोरा में पूरे देश से हमारे लोग जुटेंगे, सोनिया जी राहुल जी उसको संबोधित करेंगे, और उसके बाद का कार्यक्रम फिर वहीं से दिया जाएगा। फरीदाबाद टाइम्स में फिलहाल इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए BVM न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।